हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे पनीर भुर्जी जो बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसे आप रोटी पराठा के साथ सर्व कर सकती हैं। तो आज हम सिखाएंगे बहुत आसान तरीके से पनीर भुर्जी बनाना। तो चलिए देखते हैं इसके रेसिपी इस वीडियो में। हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है। हम इसमें अब ऑयल डाल देते हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है तो हमने 2 चम्मच सरसों का ऑयल डाल दिया है। आप इसे अगर चाहें तो कोई भी बटर या रिफाइंड ऑयल में बना सकती हैं। इसे हम गर्म कर लेंगे अच्छे से। ऑयल गर्म हो गया है। इसमें 2 बारीक कटा हुआ प्याज, इसे लाइट ब्राउन होने तक इसे भून लेंगे हम। लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई डालेंगे और इसे थोड़ा मिला लेते हैं। और इसी में हम डालेंगे 1 टमाटर कटी हुई बारीक और 1 हरी मिर्च, तीखा अपने हिसाब से और ले सकती हैं, ज़्यादा कम कर सकती हैं। 2-3 मिनट इसे भून लेते हैं। अब इसे भूनते हुए 3 मिनट हो गया है, हमने हाई फ्लेम पर इसे भुना है। अब इसमें हम डालते हैं सूखा मसाला, जिसमें हमने 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर है और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर है और 1 चम्मच जीरा पाउडर है। इसे हम डाल देते हैं और इसे हम मिला लेते हैं थोड़ा। अब इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे ढककर हम 2 मिनट पका लेंगे। हमने 250 ग्राम पनीर कद्दूकस कर लिया है। आप अगर चाहें तो इसे हाथ से मैश कर सकती हैं। अब इसमें हम पनीर डाल के इसे 2 मिनट ढककर और पका लेंगे। देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे अब हम ढककर 2 मिनट इसे और पका लेंगे। चलिए, 2 मिनट हो गया है, इसे हम देख लेते हैं। और इसे हमने बीच बीच में चलाते हुए इसे देखा है, क्योंकि ढककर छोड़ देंगे 2 मिनट तक तो जल जाएगा, तो इसका ध्यान रखें। और हमारा देखिए पनीर भुर्जी बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अब इसे हम 1 बर्तन में निकाल लेंगे।